सोफिया अंसारी के बचपन का एक ऐसा सपना जो अब जाकर पूरा हुआ और इन सोशल मीडिया स्टार की MMS वायरल हो चुकी है। और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लड़का कैसे बना सुपरस्टार? गीमा आरसी पेरेंट्स से छुपकर बनाती थी अपनी टिकटॉक वीडियो। छोटी सी कपड़ों की दुकान में काम करने वाला कैसे बना सुपरस्टार? और क्या क्या हासा इन स्टार्स ने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सोफिया अंसारी। अपनी हॉट अदाओं से सबको लुभाने वाली सोफिया अंसारी का सपना बचपन से ही एक एक्ट्रेस और एक मॉडल बनने का रहा है। और सोफिया को बचपन से ही डांस का शौक रहा। वो अपने स्कूल टाइम से ही डांस कंपटीशन में परफॉर्म करती आ रही हैं। सोफिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद सोफिया ने टिकटॉक पर अपनी लिपसिंग की वीडियो बनाकर डालना शुरू किया। लोगों को उनकी वीडियो अच्छी लगने लगी। कुछ ही वक्त में सोफिया की वीडियो वायरल होने लगी और सोफिया ने सोशल मीडिया पर 100K फॉलोवर्स क्रॉस कर लिए। मगर कुछ लोगों ने सोफिया की वीडियो पर गंदे कमेंट्स करना शुरू कर दिया और उनको ट्रोल भी किया। और सोफिया को इस बात का शुरू में बहुत बुरा लगा, मगर बाद में उन्होंने लोगों के नेगेटिव कमेंट को नजरअंदाज किया और अपनी पोस्ट डालना जारी रखा। और आज सोफिया सोशल मीडिया की सबसे हॉट स्टार्स में से एक है। नंबर 2 पर आती है निशा गुरगेन। निशा गुरगेन के टिकटॉक पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसके बाद में उनकी किस्मत भी चमक गई। ये निशा की लिपसिंग वीडियो थी जो कि मुझे याद है, जो तेरा नजर मिलाना गाने पर थी। निशा की इस वीडियो पर 2.5 मिलियन लाइक्स आए थे। इसके बाद से ही निशा सोशल मीडिया पर तेजी से पॉपुलर हो गई। कुछ वक्त पहले निशा का एक MMS वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद से लोगों ने उन्हें गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया। आखिर में निशा ने सबके सामने अनाउंस किया कि वो वीडियो फेक है और किसी ने उनकी वीडियो एडिट की है। फिलहाल निशा के सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोवर्स हैं और उनकी कमाई लाखों में है। नंबर 3, अंजलि अरोड़ा। वैसे तो अंजलि अरोड़ा काफी वक्त से सोशल मीडिया पर अपनी लिपसिंग की वीडियो डालती आ रही है, मगर उनकी एक कच्चा बादाम वाले गाने पर बनाई गई वीडियो ज्यादा वायरल हुई, जिसके बाद से अंजलि की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। जबकि कुछ लोगों ने अंजलि को इनकी इस वीडियो पर ट्रोल भी किया था। हालांकि अंजलि इससे पहले भी एज ए मॉडल काम करती आई है और कुछ पंजाबी म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी है। मीडिया के मुताबिक हाल ही में अंजलि अरोड़ा एक डिजिटल क्रिएटर आकाश संसनवाल के साथ रिलेशनशिप में है और अंजलि अरोड़ा के इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और वो एक सोशल मीडिया स्टार है। नंबर 4 पर आता है अनुष्का सेन। इंडियन टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने बचपन से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। अनुष्का सेन में एक्टिंग का टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। अनुष्का को सबसे ज्यादा फेम बालवीर नाटक में मेयर का किरदार निभाने से मिला था। यही वजह है कि इतनी कम उम्र में अनुष्का म्यूजिक एल्बम, टीवी सीरियल, शॉर्ट फिल्म और यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म में भी काम कर चुकी है। और इसी बात से अनुष्का सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने लगी और सोशल मीडिया पर भी अनुष्का के फैन बढ़ते गए और मिलियंस में पहुंच गए। और अनुष्का सेन अपने करियर में लगातार आगे बढ़ती गई। आज अपनी मेहनत के दम पर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि अनुष्का अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहती है और फिलहाल सिंगल है। और इनकी हॉबी डांसिंग, स्विमिंग और ट्रैवलिंग है। नंबर 5, गीमा आशी। इनका पूरा नाम गरिमा चौरसिया है। इनका जन्म 28 अगस्त 1997 में उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में एक छोटे से परिवार में हुआ था। इनको भी बचपन से ही डांस का शौक रहा है, इसलिए इन्होंने टिकटॉक पर अपनी डांस की वीडियोस डालना शुरू किया। और काफी वक्त बाद इनकी एक वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई, तब से इनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। मगर दोस्तों आपको बता दें कि गीमा आशी की मोम को उनका इस तरह से वीडियो बनाना पसंद नहीं था और उन्हें इसके लिए हमेशा डांट पड़ती थी, लेकिन गीमा भी उनसे छुप छुप कर वीडियोस बनाया करती थी। गीमा आशी की बहुत हार्ड गाने पर बनाई गई वीडियो देश के हर कोने में पहुंच गई थी। इसके बाद गीमा आशी फेमस हो गई और उन्हें एडवर्टाइजमेंट, म्यूजिक एल्बम और शॉर्ट फिल्म के ऑफर आने लगे। आज गीमा आशी एक एक्ट्रेस बन चुकी है और इनके सोशल मीडिया पर भी लाखों फैंस हैं। गीमा आशी को एक्टिंग के अलावा पेंटिंग, डांसिंग और क्राफ्टिंग करना बहुत पसंद है। नंबर 6, जन्नत जुबेर। दोस्तों जन्नत जुबेर ने बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि वो सिर्फ 11 साल की ही उम्र में स्टार प्लस के धारावाहिक नाटक फुलवा में नजर आई थी और इसमें उन्होंने अपने किरदार को बखूबी तरीके से निभाया था। फैमिली, फ्रेंड्स और ऑडियंस के द्वारा उनके टैलेंट को बचपन से ही सराहना मिली है, लेकिन कुछ वक्त में ही जन्नत ने छोटे पर्दे पर काम करना छोड़ दिया था। फिर उनकी वापसी सोशल मीडिया पर हुई जब भारत में टिकटॉक ऐप आया। इन्होंने इस पर वीडियो डालना शुरू कर दिया था और इनकी वीडियोस ने हर जगह तहलका मचा दिया था। लोगों को जन्नत जुबेर और उनकी बनाई वीडियोस पसंद आने लगी, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, जिसके बाद उन्हें म्यूजिक एल्बम के भी ऑफर आने लगे। एक सेलिब्रिटी बन जाने के बाद वो कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है। हालांकि जन्नत खुद को इन सबसे दूर रखने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मीडिया उनके लिए तरह तरह की बातें बनाती रहती है। आशिकी 2 सीरियल में काम करने के दौरान उन्हें किसिंग सीन करना था, जिसके लिए जन्नत ने यह तक कह दिया था कि वो कोई इंटीमेट सीन नहीं करेगी, इसके लिए वो सीरियल को छोड़ भी सकती है। जन्नत और मिस्टर फेजू को लेकर भी फैंस बहुत बात बनाते हैं। इनके फैंस को लगता है कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, मगर एक इंटरव्यू में जन्नत बता चुकी है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं। इसके साथ अब अवनीत कौर जन्नत के बीच की लड़ाई को लेकर भी कई बार कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जन्नत इन सबको नजरअंदाज करके अपने करियर में आगे बढ़ती रहती है। आज जन्नत जुबेर
कुबेर एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया स्टार है। नंबर 7 रोहित जिंजर की। सोशल मीडिया के स्टार गुजरात के सूरत से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 9 अप्रैल 1995 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। रोहित के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इनके पिता को शराब पीने की बुरी लत लग चुकी थी और इनके पिता रोज रात को शराब पीकर घर आते और घर में मारपीट करते थे। कुछ वक्त बाद रोहित की माँ अपने पति से अलग हो गई और अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी करने लगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद रोहित के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके, इसलिए उन्होंने एक साड़ी की दुकान पर सेल्समैन का काम किया। दुकान में काम करने के दौरान ही वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर अपलोड किया करते थे, मगर उनको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, जिससे निराश होकर रोहित ने एक बार अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट भी कर दिया। पर दोस्तों के कहने पर उन्होंने दोबारा नया अकाउंट बनाया और उसके बाद उनकी वीडियोस वायरल होने लगी, जिससे रोहित धीरे धीरे फेमस होते गए। टिकटॉक के बैन होने के बाद रोहित ने यूट्यूब पर अपने ब्लॉग्स बनाना शुरू किए और साथ ही साथ वो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट के जरिए फेमस होते गए। इसके बाद उनको म्यूजिक वीडियोस के भी ऑफर आने लगे। रोहित को एक्टिंग के अलावा हॉर्स राइडिंग बेहद पसंद है, पर फिलहाल रोहित सिंगल है। नंबर 8 अवनीत कौर एक डांसर, मॉडल और इंडियन एक्ट्रेस है। अवनीत पंजाब की रहने वाली है और अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर है। अवनीत को सबसे ज्यादा फेम डांस इंडिया डांस, धारावाहिक चंद्र नंदिनी और अलादीन शो में काम करने के दौरान मिला। अवनीत कौर एक चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी है और अपनी यंग एज में अवनीत बॉलीवुड फिल्म मर्दानी, करीब करीब सिंगल, दोस्त, एकता और म्यूजिक वीडियो एल्बम तेरी नारी, लगती कसम, बादामी रंग, फरार, चॉकलेट में भी काम कर चुकी है। इतना ही नहीं, अवनीत कौर ने वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया है और उनकी अच्छी एक्टिंग के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अवनीत कौर आज लाखों लोगों की क्रश है और सोशल मीडिया की स्टार भी है। नंबर 9 अर्शिफा खान। अर्शिफा खान उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इनका जन्म 3 अप्रैल 2003 में हुआ था। जब ये छोटी थी तब इनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। इन्होंने अपनी पढ़ाई रॉयन इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से की है। अर्शिफा भी बचपन से ही टीवी के धारावाहिक एक वीर की अरदास वीरा में गुंजन का किरदार निभा चुकी है। इसके बाद भी उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया। अर्शिफा के टिकटॉक पर 25 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। इसके बाद से अर्शिफा सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हो गई और आज अर्शिफा खान सोशल मीडिया स्टार्स में गिनी जाती है और लग्जरी लाइफ जीती है। दोस्तों अर्शी खान एक बार कंट्रोवर्सी का भी शिकार हो चुकी है, जब उन्होंने अपने दोस्त दानिश की मौत के बाद रोते हुए वीडियो अपलोड की और उनके लिए वीडियो पर दुख जताया। इस बात को लोगों ने पब्लिक सिटी स्टंट बताया और उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया। नंबर 10 रियाज अली। एक छोटे से गांव के रहने वाले रियाज अली आज एक एक्टर, मॉडल और फैशन ब्लॉगर है और उनकी एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता के पीछे सोशल मीडिया पर अपलोड की गई इनकी वीडियोस हैं। यहां दोस्तों रियाज अली भी उनमें से हैं जिन्होंने अपने शौक में सोशल मीडिया पर लिपसिंग की वीडियो अपलोड करना शुरू किया और उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हें लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिलेगा और वो इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। इनका जन्म 14 सितंबर 2003 में भोपाल जय गांव में हुआ था। रियाज कई म्यूजिक वीडियो यारी है, पहाड़न और सुपरस्टार में काम कर चुके हैं और आज भी इनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। बताया जाता है कि पहले रियाज का वजन बहुत ज्यादा था, जिसे कम करने के लिए रियाज ने 14 साल की उम्र में ही जिम करना शुरू कर दिया था और आज रियाज इतने हैंडसम लगते हैं कि लाखों लड़कियां इन पर फिदा है।